हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं कि आज मैं मटर का गुदला बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने मटर को बॉईल कर लिया है और उसे अब हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। और मैंने कुछ आलू भी बॉईल किए हैं इसमें डालने के लिए, आप लोग देख सकते हैं। अब हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और जो आलू हमने बॉईल किए थे उसे भी हमने छिल लिया है। अब चलते हैं हम कढ़ाई की ओर। तो फ्रेंड्स, एक कढ़ाई लेना है, उसमें तेल डालना है और उसे हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। इसके बाद हम इसमें आलू की पीसेस करके उसे अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसका कलर लाइटली ब्राउन कलर ही रखना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी आलू फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसमें फोरन डालेंगे, तेज पत्ता, जीरा और साबुत लाल मिर्च का। और इसे पक जाने के बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज, इसे भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, हाफ स्पून हल्दी, हाफ स्पून धनिया पाउडर, हाफ स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ स्पून लाल मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और उसके बाद हम डालेंगे कटी हुई टमाटर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि टेस्ट बहुत अच्छा आए। फ्रेंड्स, हम इसमें थोड़ा पानी डाल के भी इसे अच्छे से फ्राई करते हैं, क्योंकि हमारा मसाला जितने अच्छे से फ्राई होगा, जितने अच्छे से हम इसे भूनेंगे, उतना ही टेस्ट बढ़ेगा। फ्रेंड्स, मसाले को धीमी आंच पे अच्छे से पकाते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये अब हो चुका है। तो जो हमने मटर को ग्राइंड करके रखा हुआ है वो हम इसमें मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, जब हम मटर को ग्राइंड करते हैं तो हमें पूरा उसे पीसना नहीं है, यानी कि हमें उसे थोड़ा खड़ा ही रहने देना है ताकि उसमें कुछ मटर भी पता चले। फ्रेंड, इसे भी हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करके फ्राई करना है ताकि ये भी अच्छे से पक जाए। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लगता है ये अब हो चुका है। तब हम इसमें एक गिलास पानी डाल देते हैं। और पानी डाल के इसे अच्छे से मिला लें, अच्छे से इसे मिक्स कर लें। और जो आलू के हमने पीसेस फ्राई करके रखे हैं वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, इसे हम थोड़ी देर के लिए गैस पे छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, तो अभी ये हमारा हो चुका है। तो ऊपर से हम गरम मसाला मिक्स कर रहे हैं और कुछ धनिया पत्ता भी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अच्छे से मिक्स करके इसे छोड़ दीजिए, ये अब हो चुका है। फ्रेंड्स, तो आप लोग भी इसे घर में बनाइए और टेस्ट कीजिए। और प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये कैसा लगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।